ओके सो अब यहाँ पर हम लोग बैक बॉर्डर इंप्लीमेंट करेंगे और सर्च फीचर इंप्लीमेंट करेंगे इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में। तो अब यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर फ़ोटो के रो के अंदर मैं यहाँ पर एक डिव क्रिएट करता हूँ और इस डिव के अंदर एक नया लिंक करके बटन रहेगा, नया डिग लिंक रहेगा जो एक्चुअली रीडायरेक्ट करेगा हमारे होम पेज पर। देखता हूँ बैक और हाँ मैं टू वैल्यू दे देता हूँ इंडेक्स पे, ओके। और इस नैव लिंक को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट राउटर डॉम से, तो मैं यहाँ पर अभी इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट नैव लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम से, ओके। सो अब यहाँ पर बैक बटन में क्लिक करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं इंडेक्स अंडर हो रहा है। अब यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो बोरा फोटो डिटेल्स कॉम्पोनेंट अंडर हो रहा है। मैं बैक पे जाऊंगा तो अब यहाँ देख सकते हैं लिस्ट अभी यहाँ मिल रहा है, ग्रेट। सो राउटिंग अभी यहाँ पर बराबर वर्क कर रहा है। तो आज चलिए हम लोग अभी यहाँ पर सर्च फीचर जो आप पहले देख रहे टॉप पे था वो हम लोग यहाँ भी यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं फ़ोटो लिस्ट है यहाँ पर मैं एक और रो बनाता हूँ ऊपर सेम होगा रो, और यहाँ पर हम लोग वो पर्टिकुलर इनपुट टैग क्रिएट करेंगे। तो यहाँ देता हूँ मैं इनपुट विद अ टाइप ऑफ टेक्स्ट और मैं उसे क्लास देता हूँ क्लास नेम इक्वल्स टू BTN और यहाँ पर एक बटन क्रिएट करते हैं जिसका मैं क्लास नेम दे देता हूँ BTN और यहाँ पर कंटेंट में लिख देता हूँ फिल्टर और इसे सेव कर देता हूँ। अब यहाँ के रिलोड होगा तो आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्म दिखाई दे रहा है, ग्रेट। और इस पर्टिकुलर क्लास को मैं कुछ क्लासेस दे देता हूँ कॉल, ये सेम क्लासेस जो यहाँ पर थी मैं डाल देता ताकि वो साइड बाय साइड दिखे, S4 M4 दे देता हूँ और ये सेम क्लास जो है मैं इस बटन को भी दे देता हूँ तो क्या देख सकते हैं आप वो साइड बाय साइड इधर दिखाई दे रहा है, ग्रेट। तो अभी इसको फिल्टर को मैं और थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसे 2 दे देता हूँ यहाँ पर भी 2 बिकॉज वो बटन काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा था, ऑसम ग्रेट। सो अभी यहाँ पर इसमें जो मैं टाइप करूँगा वो हिसाब से यहाँ पर फिल्टर हो जाना चाहिए, ओके। और यहाँ पर गलती से मैंने बटन क्लास दे दिया है, मैं उसे रिमूव कर देता हूँ, यहाँ बटन क्लास देने की ज़रूरत नहीं है, सेव करके अब वो रिलोड हो रहा है और मैं कुछ टाइप करूँगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि वो टाइप हो रहा है पर यहाँ कोई फ़िल्टर नहीं हो रहा है। आइए चलिए वो फीचर अभी हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इस पर्टिकुलर फ़ोटोज़ को यहाँ पर मैं एक और एरे बनाता हूँ विजिबल फ़ोटोज़ और एक एम्प्टी आ रहे होगा और ये सेम डेटा जो विजुअल फ़ोटोज़ में है वो मैं जो फ़ोटोज़ में है वो मैं यहाँ पर विजिबल फ़ोटोज़ में डाल देता हूँ। रिस्पॉन्स और डेटा फर्स्ट टेन जो वैल्यू है वो मैं यहाँ डाल दूँगा। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जैसे यूज़र टाइप करेगा राइट तो जो डेटा फिल्टर होकर हमें यहाँ मिलेगा वो हम लोग कहीं ना कहीं स्टोर रखना पड़ेगा राइट कि ये दो वैल्यू फ़िल्टर है राइट बिकॉज हम लोगों को एक एरे मिले, एरे में देखना है कि कौन सा मैच करता है, ये मैच कर रहा है ये मैच कर रहा है, तो अगर ये दोनों मैच किए तो ये यहाँ पर हमें दिखाना है। तो जैसे अगर मैं एम्प्टी कर दूँ तो ये सारे रेंडर हो जाने चाहिए वापस राइट बिकॉज कोई भी मैच नहीं कर रहा है बिकॉज ये एम्प्टी है। तो उसमें हम लोग जो पुराना इन्फॉर्मेशन है मतलब कि ये पूरा 10 का जो इन्फॉर्मेशन ये कहीं ना कहीं हमें स्टोर रखना पड़ेगा। फिल्टर करने के बाद अगर लेट्स सपोज जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया एक एक राइट तो समझो लेट सपोज यहाँ दो वैल्यू आई, एक ये इमेज आए एक ये इमेज आए बाकी नहीं आए, तो हम लोग को उसको रिमूव नहीं करना है, कहीं ना कहीं उसे हमें स्टोर रखना पड़ेगा ताकि हम लोग वापस यूज़र जब टाइप करें तो वो फ़िल्टरिंग में इंक्लूडेड हो। तो वो हमें किस तरीके से करना पड़ेगा तो वहाँ पर इसलिए मैंने क्या किया कि दो अलग अलग स्टेट बनाया, एक फ़ोटोज़ एक विजिबल फ़ोटोज़। विजिबल फ़ोटोज़ वो एरे है जहाँ पर हम लोग रेंडरिंग के लिए यूज़ करेंगे और फ़ोटोज़ वो है जिसे हम लोग किसी भी तरीके से मॉडिफाई नहीं करेंगे, वो उसमें जो ओरिजिनल डेटा जो मिला था वही रहेगा। तो फ़िल्टरिंग सिर्फ इस पर होगा, ये सिर्फ हम लोग दिखाएंगे इससे, ओके। तो जैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो एक कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मैं टाइप करूँगा वैसे ही ये पर्टिकुलर फ़ोटो फ़िल्टर हो जाना चाहिए। सो अब यहाँ पर ऑन चेंज इवेंट में यहाँ डालता हूँ और ऑन चेंज में मैं यहाँ पर एक फंक्शन दूँगा ऑन चेंज और यहाँ पर मैं फंक्शन देता हूँ, उस फंक्शन का नाम यहाँ लिखता हूँ दिस डॉट फिल्टर फोटोज और ये फंक्शन मैं अभी यहाँ क्रिएट करूँगा। और जैसे ही मैं टाइप करूँगा मुझे उस पर्टिकुलर इनपुट टैग में जो वैल्यू है वो मुझे चाहिए तो उसके लिए मैं रेफ यूज़ करूँगा। रेफ यूज़ करके आप किसी भी डॉम एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, उसे वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक
फंक्शन होगा इस तरीके से, और यहाँ पर नोड, और यहाँ पर मैं उसका नाम देता हूँ दिस डॉट फिल्टर्ड टेक्स्ट और इक्वल टू नोड ऐसा देता हूँ, और दिस इसलिए ताकि हम लोग इसे कंपोनेंट लेवल में एक्सेस कर सकें। तो अभी मैं सिंपली यहाँ पर कंसोल लॉग करता हूँ और यहाँ पर दिस डॉट फिल्टर टेक्स्ट डॉट वैल्यू, ओके, और वैल्यू इसलिए बिकॉज ये डॉम मुझे मिलेगा उससे डॉट वैल्यू देने पर ही मुझे एक्चुअल टेक्स्ट मिलेगा। मैं सेव करता हूँ और अब यहाँ पर रीलोड होगा और मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल टैब में आते हैं और क्लियर करके मैं टाइप करूँगा। जैसे मैं टाइप करूँगा आप देखेंगे यहाँ पर नीचे आपको वैल्यू दिखाई देगा, जैसे मैं टाइप करूँगा वैसे ही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्रिएट, तो मतलब कि हमें टेक्स्ट यहाँ पर मिल जा रहा है। तो अभी ये कि ये टेक्स्ट लेकर के मुझे यहाँ पर फिल्टर करना है, तो फिल्टर के मैं इंडेक्स ऑफ टेक्स्ट का इस्तेमाल करूँगा। इंडेक्स ऑफ एग्जैक्टली कैसे, अगर लेट सपोज यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में मैं अपना नाम लिख देता हूँ शोएब भिवानी, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंडेक्स ऑफ, तो इंडेक्स ऑफ में मतलब कि ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग में मुझे यहाँ पता करना है कि कौन सा वैल्यू इसके अंदर है या नहीं है। तो उसके लिए अगर मैं इंडेक्स ऑफ यहाँ पर दे दूँ, लेट सपोज़ शो ऐसा लिख के एंटर दबाऊँ, आप देख सकते हैं वो ज़ीरो दिखाई देगा। ज़ीरो का मतलब ये कहाँ पर से वो मैच होना स्टार्ट हुआ है। अगर मैं यहाँ पर बी दे दूँ बी एच और एंटर दबाऊँ तो आप देख सकते हो सेवन बता रहा है, मतलब कि वो सेवन से स्टार्ट हुआ है। लेकिन अगर आप इंडेक्स ऑफ कोई और वैल्यू दे दें यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ दे देता हूँ 1 2 3 4 और एंटर दबाऊंगा तो देख सकते हो बता रहा है कि -1 -1 का मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग में ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये यूज़ करके हम लोग पता करेंगे कि यूज़र जो यहाँ टाइप कर रहा है और जितने भी वैल्यूज़ यहाँ पर है उनके टाइटल मैच कर रहे हैं कि वो मैच नहीं कर रहे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे वो फ़िल्टर का इस्तेमाल करना होगा, मतलब कि इस पर्टिकुलर फ़ोटोज़ एरे पे मैं लूप ओवर होऊंगा और फिल्टर्ड आउटपुट जो मुझे मिलेगा वो मैं विजिबल फ़ोटोज़ में सेट कर दूंगा, ठीक है। बिकॉज़ ये विजिबल फ़ोटोज़ का मतलब ये है कि वो यहाँ पर रेंडर होगा और फ़ोटोज़ में हम लोग फ़िल्टर के लिए यूज़ करेंगे उसको, ठीक है। तो जैसे मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं उसका आउटपुट यहाँ देता हूँ फिल्टर फ़ोटो लिस्ट, और यहाँ पर मैं दिस डॉट स्टेट डॉट फोटोज़ पे लूप ओवर होऊंगा और यहाँ पर मैं फ़िल्टर मेथड का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। और इच इंडिविजुअल फ़िल्टर मेथड पे हम लोगों को फ़ोटो यहाँ पर एज अ पैरामीटर में मिलेगा और मैं यहाँ पर रिटर्न करूँगा। फ़िल्टर मेथड कैसे वर्क करता है कि अगर जो एक्सप्रेशन यहाँ मैच करेगा, अगर हम लोग रिटर्न ट्रू करेंगे तो वो इस पर्टिकुलर एरे में चले जाएगा, अगर मैं यहाँ पर रिटर्न फॉल्स होगा तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो वो ईच इंडिविजुअल फ़ोटो के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ कि फ़ोटो डॉट टाइटल, बिकॉज वो मुझे मैच करना है, उसमें इंडेक्स ऑफ राइट के फ़ोटो डॉट टाइटल में ये वैल्यू है क्या जो मुझे कहाँ से मिल रहा है, जो यहाँ पर इस पर्टिकुलर डॉम से मिल रहा है, वो अगर है, ठीक है, और आपको मालूम है कि मैं यहाँ चेक करूँगा कि वो -1 नहीं रहना चाहिए जो हमने यहाँ पर अभी देखा था, तो मैं यहाँ देखो नॉट इक्वल टू -1 -1, तो मैं कह रहा हूँ कि जो -1 नहीं है, ठीक है, वो आप इस फ़ोटो लिस्ट में डाल दें, जो -1 है उसे रहने दें। -1 का मतलब कि वो मैच नहीं कर रहा है, और जो मैच नहीं कर रहा है वो मुझे नहीं चाहिए। उसी तरीके से मैं अभी इस फ़ोटो लिस्ट को यहाँ पर मैं कंसोल लॉग करता हूँ, कंसोल लॉग फिल्टर फ़ोटो लिस्ट, ठीक है, और सेव करते हैं। अब यहाँ रिलोड होगा, मैं यहाँ टाइप करता हूँ ACC, क्लियर करके मैं यहाँ टाइप करूँगा ACC, तो आप देख सकते हैं यहाँ की जो मैच्ड है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पर दो वैल्यू मिले जिसमें टाइटल में आप देख सकते हैं ACC है, राइट, बाकी सब यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोग फ़िल्टर कर सकते हैं एच इंडिविजुअल टाइटल पे और हमें वो वैल्यू यहाँ मिल जाएगी। उसके बाद जो फ़िल्टर वैल्यू मिला है वो यहाँ पर मैं स्टेट में डाल दूँगा, तो वहाँ मैं लिखता हूँ दिस डॉट सेट स्टेट और वो मैं यहाँ पर विजिबल फ़ोटोज़ में मैं यहाँ डाल दूँगा, फ़िल्टर फ़ोटो लिस्ट में यहाँ डाल दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी विजिबल फ़ोटोज़ में ये फ़िल्टर्ड एरे मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पर जो मैं रेंडर कर रहा था फ़ोटोज़, वहाँ पर मैं अभी विजिबल फ़ोटोज़ रेंडर करूँगा, ओके, ताकि वो फ़िल्टर्ड आउटपुट अभी यहाँ रेंडर होगा। मैं सेव कर देता हूँ, अब यहाँ रीलोड होगा, अब मैं यहाँ टाइप करूँगा ACC, तो आप देख सकते हैं कि वो फ़िल्टर वैल्यू यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसे मैं क्लियर करूँगा तो अब वो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फ़िल्टर कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेन जिस्ट है, मतलब कि जो यहाँ वर्क कर रहा है, वो है फ़िल्टर यूज़ करके और इंडेक्स ऑफ यूज़ करके। फ़िल्टर वो एरे पे मेथड है जो यहाँ पर एक्सप्रेशन अगर ट्रू होगा, जो भी एक्सप्रेशन, वो इसको ऐड कर देगा, जो यहाँ फॉल्स होगा वो ऐड नहीं करेगा,
और ट्रू और फॉल्स कैसे कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर इंडेक्स ऑफ का इस्तेमाल कर रहे हैं जो माइनस वन रिटर्न करता है अगर वो मैच ना हो। इसके अलावा वो सारा उस इंडेक्स देगा, मतलब कि कहाँ पर वो मैच हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग चेक करें अगर माइनस वन नहीं है, इसका मतलब ये कि वो मैच हुआ है, वो हम लोग इस पर ऐड कर देंगे। अगर वो माइनस वन है तो हम लोग उसे ऐड नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग फिल्टर्ड फोटो लिस्ट यहाँ पर बना पा रहे हैं। ओके, और यहाँ पर इस बटन पे अगर चाहिए तो आप, मैं यहाँ पर ऑन क्लिक पे जो मेथड यहाँ मिल रहा था फंक्शन, वही मैं इसे यहाँ पास कर दूँ, बस दैट्स इट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा सारा प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट हो चुका है। हम लिंक पे क्लिक करके इंडिविजुअल फ़ोटो लिस्ट पे आ सकते हैं, फ़ोटो डिटेल पे बैक बटन क्लिक करके इंडेक्स पे आ सकते हैं और हम लोग फिल्टर भी यहाँ पर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह का अगर शॉर्ट ट्यूटोरियल्स रिएक्ट्स के बारे में आप देखना चाहते हैं तो आप बताइए, डिस्क्रिप्शन में लिखिए, तो इस तरह का शॉर्ट मिनी सीरीज़ में रिएक्ट के बारे में बनाता रहूँगा। हेलो एवरीवन, अगर ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया है तो इसी तरह का मैंने एक पूरा कंप्लीट कोर्स बनाया है जिसमें मैंने रिएक्ट, रिडक्स, मोबक्स, इस तरह के सारे टॉपिक्स मैंने कंप्लीट डिटेल में कवर किए हैं, जो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जिसे क्लिक करके आप जा सकते हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें आपको ईजिली एक कोर्स में आप सारी चीज़ सीख सकते हैं। और इसमें कंप्लीट इस यूडेमी का 30 डेज रिफंड पॉलिसी है, अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आता है तो आप 30 डेज में रिफंड भी यहाँ से मांग सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल मिलता हूँ। बाय गाइस। ऑलराइट गाइस, तो अगर ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय गाइस।